हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। हमारी जो कंपनी है सुप्रिया ग्लोबल एक्जिम कंपनी, ये देश में के अलग अलग भागों में, अलग अलग सिटीज में 2 डे वर्कशॉप करवाती है दोस्तों। बिल्कुल डिफरेंट वर्कशॉप है दोस्तों। पहले दिन हम इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, कैसे लाइसेंस लेते हैं हम, आपको डिजिटल प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवाएंगे, देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आप डिजिटल प्रोग्राम लेके आप अपने घर बैठ के लैपटॉप पे खुद ही आप ऑनलाइन अपने लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कुछ हम टेक्निक्स बताएंगे, बहुत सॉलिड टेक्निक्स, जिससे आप बायर ढूंढ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं ये बायर जेन्युइन बायर है, असली बायर है या डिफॉल्टर है दोस्तों। आज मैं आपको दूसरे दिन दोस्तों, दूसरे दिन हम जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उस देश के क्वालिटी कंट्रोल क्या है। यूरोप में क्वालिटी कंट्रोल बहुत मैटर करता है, अमेरिका में क्वालिटी कंट्रोल बहुत मैटर करता है, बाहर के देशों में क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। ये चीजें हम आपको बताएंगे, लाइसेंस कैसे मिलते हैं, पैकिंग कैसी होनी चाहिए दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, में क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है इसकी यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। लैंग्वेज है इंग्लिश और स्पेनिश, फ्रेंच भी काफी बोली जाती है दोस्तों। अमेरिका में बहुत से लोग बाहर के भी हैं, इसलिए हर लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश स्पेनिश और फ्रेंच काफी बोली जाती है। कॉलिंग कोड अगर आपको फोन पे बात करनी है तो है इसका +1। यहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं वो है लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ये सारे काफी बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पे पोर्ट भी दोस्तों, मैं आपको कुछ सी पोर्ट्स पे बता रहा हूँ अमेरिका के, जहां बहुत कम पैसे में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये है लॉस एंजलिस पोर्ट, लॉन्ग बीच पोर्ट, वर्जीनिया पोर्ट और ह्यूस्टन पोर्ट और बोस्टन पोर्ट। बहुत पट में ये समुद्र के पास है तो यहाँ पे पोर्ट हैं, आप यहाँ पे बहुत कम पैसे में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्या चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं हम दोस्तों, अमेरिका में जो इंडिया में चीजें कच्चा माल है वो सारी चीज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सारी वेजिटेबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आलू प्याज टमाटर गोभी शिमला मिर्च, ये सारी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मूली गाजर ये सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। वेजिटेबल में दोस्तों आम इंडिया का बहुत फेमस है, कुछ सालों तक आम पे इंडिया के आम पे बैन हुआ था तो वो लोग मेक्सिको का आम लेते थे, लेकिन दोस्तों अब वो बैन हटा दिया, इसलिए आम बहुत फेमस है इंडिया का। चाय कॉफी टेक्सटाइल शर्ट्स पैंट्स टेक्सटाइल का सामान दोस्तों, अमेरिका बहुत ठंडा देश है इसलिए यहाँ पे जो वूलन ऊनी वस्त्र है वो ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं दोस्तों। मशीनरी भी काफी एक्सपोर्ट होती है और सबसे ज्यादा दुनिया में 60% सॉफ्टवेयर अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है इंडिया से दोस्तों। आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है तो ये चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कुछ आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम बताता हूं जिसपे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये है अल्बेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, टेड स्टीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये कैस्पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कैंटकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और डायटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यहाँ पे काफी सुविधा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दोस्तों, इसलिए काफी कम पैसे में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मीट काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, काफी मीट एक्सपोर्ट होता है। डिब्बा बंद मीट, उसको डीप फ्रीजर में कंटेनर में रखा जाता है। तो ये जो मैंने आपको पोर्ट बताए दोस्तों, इनपे वो सारी सुविधा होती है दोस्तों। मैं आपको मार्केट्स के बारे में बताता हूं, हम मार्केट्स कौन कौन सी है, होलसेल मार्केट्स जहां आप जा सकते हैं, एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, बायर ढूंढ सकते हैं दोस्तों। यह फिलाडेल्फिया होलसेल मार्केट्स, एली निक होलसेल मार्केट्स, सन होलसेल मार्केट्स और ऑल अमेरिकन होलसेल मार्केट्स दोस्तों। यहाँ पे जाके आप अपने अलग अलग बिजनेसमैन से मिल सकते हैं, उनको अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये सारी चीज आप कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको यही गुजारिश करता हूं दोस्तों, हमारी 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्ट फोन करके जो बात कीजिए, अपनी सीट बुक करवाइए, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आपको मजा आएगा हमारी
जो वर्कशॉप अटेंड करने में बायर ढूंढने की टेक्निक बताएंगे, आपको एक डिजिटल प्रोग्राम देंगे, बिल्कुल अमेजिंग प्रोग्राम। आप अपने घर बैठे अपने सारे लाइसेंस आप अपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन आपके मेल पे वो आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और कोई भी क्यूरी हो या आप अपनी सीट बुक करवानी हो या मुझसे कुछ भी पूछना हो, डायरेक्ट मुझे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। हमारे पुराने वीडियो जरूर देखें आप, उसमें सारे यूरोप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के तरीके बता रखे हैं, काफी जानकारी दे रखी है यूरोप के अलग अलग देशों के बारे में, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, आ, आ, ये टर्की, रशिया, इनके सारे बारे में, सऊदी अरब, कतर, ओमान, ये एशिया के देशों के बारे में बता रखा है, बांग्लादेश के बारे में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कनाडा के बारे में हमने बता रखा है दोस्तों। जरूर आप वो देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉल करके मुझसे सीट बुक करवाएं या डायरेक्ट मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो बेझिझक मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।